practical fire attend test program to provide total number of object present available on a web page. तो हम लोग जो वेब पेज यूज़ करेंगे वो गूगल होगा. क्वेश्चन में हो सकता है डिफरेंट वेब पेजेस का यूज़ करने बोले, कोई और पेज बोल दे. फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग दिस गूगल. एक्लिप्स में वही सेम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये दो लाइन ऐड कर देंगे, रेफरेंसेज ऐड कर देंगे. नाउ क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन लिखेंगे जो हमने लास्ट टू प्रोग्राम में लिखे थे, बट अभी उसमें हम लोग को सेलिनियम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली लिख सकते हैं. सो क्या है, ड्राइवर डॉट गेट, इसमें हम लोग को लिंक देना था, राइट? डबल कोट्स में लिंक दे दूंगा मैं, ये मेरी गूगल की लिंक थी. ओके, एंड क्या था, ड्राइवर दूसरी लाइन थी, मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज वाली लाइन, राइट? तुमने चाहिए तो सेलिनियम से भी जनरेट कर सकते हो. अगर सेलिनियम से जनरेट करोगे तो स्टार्टिंग के बस दो लाइन ही रहेंगी, दो लाइन को कॉपी करना और उसमें पेस्ट कर देना, विंडो डॉट मैक्सिमाइज. ओके, नाउ वी हैव टू गेट टोटल नंबर ऑफ लिंक्स. सो मैं क्रिएट करूँगा इंटीजर, नंबर ऑफ लिंक्स इज इक्वल्स टू, मेरा हो जाएगा ड्राइवर. कैसे हम लोग डेटा को पा लेते हैं इसके अंदर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लेते थे, राइट? बट इस टाइम हम लोग फाइंड एलिमेंट्स लेंगे बाय नेम. सॉरी, आप किससे लेंगे, आप कैसा रहता है गूगल पे, ये सारे एंकर टैग्स, राइट? HTML पढ़ा है तो वी नो कि ये सारे एंकर टैग्स है, ये भी एंकर टैग है, ये रिडायरेक्ट हो रहे कहीं पे. तो हम लोग टैग नेम से फाइंड करेंगे, टैग नेम कौन सा टैग रहेगा, एंकर टैग. तो एंकर के लिए ए, जहाँ पे भी ये ए दिखेगा ये उसको सेव कर लेगा. ओके, उसका साइज सेव करेगा. तो हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स मिल जाएंगे, ये कितने लिंक्स है टोटल पेज पे. तो ये तो रन हो जाएगा, अब हम लोग को बस प्रिंट करना है नंबर ऑफ लिंक. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नंबर ऑफ लिंक्स प्लस नंबर ऑफ लिंक्स. ओके, ये हो गया. अब फॉर एग्जांपल हो सकता है मैं क्वेश्चन में होके हमको नेम भी प्रिंट करना है, या बोला जाए कि इसका नेम प्रिंट करोगे कौन सी लिंक्स है. तो कुछ नहीं करेंगे, बस एक फॉर लूप चला देंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू वन से लेके नंबर ऑफ लिंक्स तक, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स. 25 लिंक्स है, 25. और यहाँ पे मैं एग्जैक्टली रन किया था तो आउटपुट कुछ ऐसा आया था, इमेज साइन इन, ये सारे लिंक्स को प्रिंट किया था उसमें. सो नंबर ऑफ लिंक्स है लेस देन है या इक्वल टू है, और आई प्लस प्लस. तो ये आइटरेशन में चलेगा नंबर ऑफ लिंक्स के. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ को लेंगे, इतना लेंगे और इसको एक ना स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव, क्योंकि एक नाम स्टोर करेंगे ना लिंक का. तो इस पे डॉट डॉट गेट, ठीक है, गेट इंडेक्स. कहाँ पे इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स, जो भी आईथ इंडेक्स है. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग आई टू पर है, और टू पे समझो अबाउट पेज की लिंक थी. तो हम लोग गेट आई करेंगे तो उससे यहाँ पे टू जाएगा, तो एंकर टैग टू कौन सा था, समझो अबाउट पेज. तो ये अबाउट पेज आएगा. बट हम लोग को इसका क्या चाहिए, हम लोग को इसका चाहिए गेट टेक्स्ट, जो उसका टेक्स्ट है वो चाहिए हमको, सिर्फ टेक्स्ट को स्टोर करना है यहाँ पे. और यही लाइन लिख दो, बस यहाँ पे आ जाएगा, ये हटा दो, यहाँ पे आर प्रिंट कर दो. अब मैं रन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक गूगल खोल के सारे लिंक्स का एग्जीक्यूट कर देगा. गूगल रन किया, उसने स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट कर दिया रहेगा. मैं पीछे जाके देखूँ तो नंबर ऑफ लिंक्स कितना, 25, एंड इमेजेस और ये शायद डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था इसलिए नहीं आया. बाकी अबाउट एडवर्टाइजिंग, हाउ टू सर्च वर्क्स, ये सारा कुछ यहाँ पे, हाउ सर्च वर्क, बिजनेस एडवर्टाइज, जो सामने दिखेगा ये उसको प्रिंट कर देगा. ये शायद से ये प्रिंट नहीं कर पा रहा है,
इसके वजह से वो क्वेश्चन मार्क आ रहा था। बाकी जितने भी लिंक सामने दिखेंगे ये सब पे डिटेक्ट करना है, ये सब कुछ प्रिंट कर देगा यहाँ पर। तो ये था प्रैक्टिकल नंबर 5।